तो फाइनली हमारी पैकिंग शुरू हो रही है गाइस। अतः मैं जिस तुम अभी छोटे हो ना, खोलो बैग को, पूरा खोलो, खोलो पूरा। मम्मी हम 10 साल के हैं, हम सब बाकी मम्मी पापा में मम्मी सब इसका खाली कर देना। उसमें क्या है? बहुत कुछ है, दिखा दे ना। चूम कर ऐसे इधर ला, देखें क्या है। ये सब क्या है? अरे हाँ, इसको झाड़ो झाड़ो, इसको कहाँ झाड़ा लो लो, ये लो। What the hell is this? वो बैग हटा दो, वो बैग निकालो, बैग की जरूरत पड़ेगी। ये लो, क्या है इसमें जो प्रेस करना है अभी उसको। अरे वो रखो ना, हैंड बैग है। कैसे झाड़ा है मम्मी? ये तुम्हारा कपड़ा, जाओ ले अपने अलमारी से। क्या ये सब अलग अलग जाति का है, ये क्यों लियो? बहुत अच्छा लगेगा टी शर्ट पे, झाड़ दीजिए वहीं पे। नहीं पहले एक तरफ करना है सारा कपड़ा। मैं खुद से खुद का कर लूंगी। ये नमक की पैक तैयार है, मेरा अपना वो बनेगा, मेकअप बैग तैयार है, ये लंच बैग है हमारा एक दिन के लिए। ये सारी चीजें सब दिखाएंगे आपको, स्नैक्स सब। तो मेरे में खाली कपड़ा रखा है मैंने, क्या? हाँ ब्रश और क्या रखोगे? मेरा वो क्या लिपस्टिक, मेरा बाल, लिप बाल, वो सब मेकअप का एक जगह रहेगा। सो हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल शिवांका व्लॉग्स। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, हम सभी भी अच्छे हैं। अगर व्लॉग अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हमारी पैकिंग शुरू हो गई है एक दिन पहले ही, ताकि कुछ छोटा हो तो पहले ही समझ में आ जाए। पासपोर्ट की क्या ज़रूरत है? इसको ऊपर रख दो। आधार नहीं, पासपोर्ट मत लीजिए, झूठ मूठ का कुछ इधर उधर होगा, जितना ज़रूरी है बस उतना सामान। बाबू ये बैग बोलो, वो कहाँ है? उस पे देखो, नहीं है तो हम नहीं रखे होंगे, उसी में रखो। ये दीदी के बैग में डाल दो, कि मेकअप वाला खाली है उसका, डालो इसमें। हाँ नहीं नहीं, खोल के ऊपर डालो ना, खोलो। हाँ साइड में डालो, बैग है तुम्हारा। हाँ छोड़ दो, ये सब हटा मेरी, जो भी ये सब हट, बस बंद करो। ये मैं पहन के जाऊंगी, तुम लोग का पहनने वाला हो गया ना? नहीं। फाइनली हमारी पैकिंग हो गई, कुछ सामान अब कल होगा। तो फाइनली हमारी पैकिंग हो गई है और कुछ सामान जो छूटा हुआ है अभी ले आएंगे ये शाम को जा करके, इसलिए एक दिन पहले हमने सारी जो पैकिंग है वो कर ली, ताकि कुछ छूटा हो तो हमें पता चल जाए, क्योंकि हम 10 दिनों की ट्रिप पर जा रहे हैं, तो कोई सामान ऐसा ज़रूरी ना छूट जाए जो कि ज़रूरत पड़ने पे हमें ना मिले, इसलिए बेसिक जितनी भी चीज़ें हैं वो हम लेकर के ही जाएंगे। हालांकि सामान हमें कम भी रखना है, क्योंकि वापस आते हुए हमें फ़्लाइट से आना है, तो वहाँ पे वज़न का थोड़ा सा इशू हो सकता है, इसलिए तो बस उसी हिसाब से पैकिंग कर लिया है, ज़रूरी सामान रख लिया है सारा। और इसके बाद ना थोड़ा सा बाल मेरा झाड़ू सा हो रहा था, तो लास्ट टाइम में मैं आ गई थी पार्लर, ताकि बालों को थोड़ा सा नीचे से ट्रिम करवा लूँ, बस इतना ही करवाना था और आए थे। अभी आ गए हम लोग छत पे, क्योंकि बहुत सारा काम निपटा के फिर हम लोग निकलेंगे, कल शाम तक तो निकल ही जाना है, इसलिए तो यहाँ पे देखिए सारे बॉटल, ये सारे बॉटल्स जो मैं कलर कर रही हूँ, उसका काम नहीं हो पाया गर्मी की वजह से, तो इसको मैं अंदर रख दूँगी, क्योंकि अगर बाई दबे आंधी वंधी आ गया तो ये सारे बॉटल ना उड़ जाएंगे। तो जितने भी गार्डन में फालतू सामान है सबको मैं हटा के जाऊँगी इस तरह से, ताकि किसी को भी दिक्कत ना आए। जो भी जरूरी चीजें हैं, तन्वी यहाँ पानी डाल रही हैं और एक साइड मैंने भी पानी लगा दिया है, यहाँ पे देखिए सुबह भी आके पानी डाला था और इस टाइम भी। बस मुझे चिंता इन्हीं लोगों की है, जब से गार्डनिंग शुरू किया है फर्स्ट टाइम मैं इतने दिन के लिए जा रही हूँ, और सच में मुझे बहुत घबराहट हो रही है अपने पौधों के लिए, क्योंकि कहने के लिए तो सबसे कह के हम लोग जा रहे हैं, लेकिन कोई मेरी तरफ ध्यान दे पाएगा कि नहीं इसकी दिक्कत है, या हो सकता है कोई ज़्यादा ध्यान ना दे दे तो भी दिक्कत है, पौधों को जानते ही हैं। तो भाई कोई अगर एक मतलब पर्टिकुलर कोई हेल्पर रहे ना हमेशा इसके लिए, हेल्पिंग हैंड हो जो कि आपके ना रहने पर ध्यान दे, तो फिर गार्डन सेफ रहता है, लेकिन अगर नहीं है तो फिर दिक्कत तो है ही।
तो मुझे तो अपने गार्डियन की बहुत ज़्यादा चिंता है, बच्चे साथ ही जा रहे हैं तो इसलिए और कोई चिंता तो नहीं हो रही है, बाकी तो खुशी ही हो रही है जाने की, लेकिन बस इसी की है। देखिए बच जाए बस, भगवान से आप लोग भी मनाइए, बाकी जो भी अपडेट होगा आके दिखाऊंगी ज़रूर आपको। अभी तो मेरा गार्डन बहुत सुंदर हो गया है, इतनी गर्मी में हमने इतना मेहनत करके संभाला हुआ है अपने गार्डन को, और बस इसी की दिक्कत है। बहुत सारी चीज़ें मैं करके जा रही हूँ, सबको बोल के भी जा रही हूँ, लेकिन फिर भी डर तो बना हुआ है भाई कि हो सकता है, क्योंकि अगर एक टाइम भी अगर भूल जाते हैं हम लोग पानी देना ना, तो झुलस जा रहे हैं पौधे, बहुत गर्मी है। और अगर बारिश शुरू हो गई तो फिर मेरे भाग्य से बहुत अच्छा हो जाएगा, मेरे घर मतलब गार्डन के, मैं बोलने जा रहे थे कि मेरे बच्चों के। चलिए गार्डन दिखाती हूँ आप सबको अपना, इस टाइम में गार्डन कितना सुंदर हुआ है, एक तरफ से मैं दिखाती हूँ, हरा भरा है बस आने के बाद ऐसा ही मिल जाए मुझे। छिपकली आ गई, तो आज तो पानी दे रहे हैं, कल से अब कोई और ही देगा। और जाते जाते मुझे जुकाम हो गया है, मुंह में छाला पड़ा है, और क्या हुआ है ये कंधे की नस खींच गई है। इतना सारा दिल्ली जाने में कितना टाइम लगा था हम लोगों को, ट्रेन से? ट्रेन से 7-8 घंटे में चले गए थे वंदे भारत से खाली, और फ्लाइट से 1.5 घंटे में वापस आ गए थे। डेढ़ नहीं, 1.5 घंटा लगा, 1 घंटा एक घंटा कुछ मिनट लेट हो। लो अपना समझ के देते हैं। सब लोग ऐसे जिम्मेदारी समझ रहे हैं। हाँ देंगे, नहीं अंकल जी ध्यान देते हैं, दादी भी देंगी, हम लोग नहीं हैं तब ना वो शांत हैं, नहीं रहेंगे तो बहुत ध्यान देंगी, वो दिलवा के दिल कह कह के डलवाएंगी। सुबह इतनी चिंता कर रही थी सूखा हुआ था तो टेरेस से वापस आने के बाद मैंने सोचा जितनी भी ड्राई चीज़ें हमें लेकर के जानी हैं ट्रेन के लिए भी और वहाँ के लिए भी, तो वो रख लेते हैं, पैकिंग कर लेते हैं, बाकी जो चीज़ें हैं बना करके नाश्ता वगैरह ले जाना है वो तो कल ही बनेगा, तो इसलिए यहाँ पे ये सारी पैकिंग कर रहे हैं। मम्मी के हाथों का बना लड्डू मैं लेकर के जा रही हूँ। तो चलिए फाइनली आपको बताती हूँ, हम लोग जा रहे हैं मुंबई 10 दिनों की ट्रिप पे, वहाँ पे मामा जी रहते हैं तो उनके यहाँ जाएंगे हम लोग, और दीदी रहती हैं तो वहाँ पे जा कर के और रुकेंगे भी हम लोग, या फिर देखेंगे जैसा भी होगा वहाँ पे जाने के बाद डिसाइड होगा। तो इसलिए ये कुछ चीज़ें उन लोगों के लिए भी लेके जा रही हूँ, जो दीदी हैं ननद है हमारी उनके लिए भी लेके जा रहे हैं, और साथ में ये सब चीज़ें मैं ड्राई चीज़ें देखिए थोड़ा सा रोस्ट करके ना रख लूँगी, ताकि ट्रेन में बच्चों को छोटी छोटी भूख लगेंगी तो घर का कुछ रहेगा खाने के लिए तो सही रहेगा। वैसे चिप्स वगैरह बिस्किट ये सारी चीज़ें तो मैंने रखा है ताकि बच्चों को प्रॉब्लम ना हो, लेकिन थोड़ा सा घर का ये सब है तो ये मन से खाते हैं, तो रास्ते के लिए मैंने ले लिया है, तो थोड़ा ज़्यादा ही नाश्ता लिया है क्योंकि 25-26 घंटे की ट्रेन है हमारी, तो इसलिए खाने पीने की चीज़ें मिलें या ना मिलें हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पे मैंने पहले ये तैयारी की है सारी, इसके बाद मैं रात का डिनर बनाऊँगी। तो अभी जितनी भी चीज़ें हैं जैसे मुरमुरे या हमारे तरफ लाई बोलते हैं वो ले जाएंगे, तो उसमें मैं ये सारी चीज़ें मिक्स करूँगी, थोड़ा काजू थोड़ा सा मखाना और थोड़ी मूंगफली ये सारी चीज़ें, और चना ये देखिए जो ड्राई चना होता है ना भुना हुआ वो वाला है, तो ये सब कुछ मिक्स करके और ले जाऊंगी झाल मुड़ी की तरह बना करके, मतलब इसमें प्याज टमाटर ये सब तो नहीं डालेंगे, ऐसे ही सूखा सब कुछ मिक्स कर लूँगी, थोड़ा मकई का नमकीन ये बहुत टेस्टी लगता है घर पे भी, और साथ में नमक वगैरह पैक कर लेंगे तो ये बहुत मन से खाते हैं ये सब चीज़ें, तो इनके लिए कर लेंगे। बच्चों के लिए तो चिप्स और जो भी बिस्किट वगैरह है वो सब रखा है साथ में। अब कल जो है मैं खाना पीना बनाऊँगी ले जाने के लिए, जो भी वो देखिए क्या डिसाइड होता है क्या खाना है इन लोगों को ट्रेन में, कम से कम 2 टाइम के लिए तो मैं बना करके ले ही जाऊंगी। बाकी ये जो स्नैक्स बना रही हूँ ना ये सारा बहुत अच्छा लगता है, हम लोग अक्सर घर में भी खाते रहते हैं, तो मैंने सोचा कि ये थोड़ा थोड़ा मैं बना करके रख लूँगी, तो जब भी इन लोगों को छोटी छोटी भूख लगेगी तो ट्रेन में अच्छा लगेगा खाने में। इसके अलावा थोड़ा बहुत फ्रूट्स में हम लोग एप्पल वगैरह रख लेंगे तो वो भी ठीक रहेगा, बच्चों को खास करके तन्मय को ना बहुत जल्दी जल्दी भूख लगती है, और बहुत छोटी छोटी भूख लगती है लेकिन जल्दी लगती है, तो उसको देने के लिए मुझे ठीक रहेगा, नहीं तो फिर वो ट्रेन में बहुत परेशान करेगा और पता नहीं चीज़ें कब मिलेंगी कब नहीं मिलेंगी टाइम से, तो इसके लिए तो ये सारी जितनी भी तैयारी आप देख रहे हैं ना ये सब मैं ट्रेन के लिए कर रही हूँ खाने पीने के लिए। बाकी तो वहाँ जाने के बाद तो हमें मैनेज करना ही है, मामा जी क्या रहेंगे तो वहाँ कोई प्रॉब्लम होगी नहीं,
और बाहर जब निकलेंगे तो बाहर का तो खाना ही खाना है, क्योंकि उससे तो बचा नहीं जा सकता है। जब घूमना है तो उतना तो करना ही पड़ेगा। तो ये देखिए, और ये वाला जो देख रहे हैं आप ना, ये फ्राई वाला है, मम्मी ने बनाया है। ये भी मिक्स करके उन्होंने हल्का सा जो सरसों का तेल होता है उसमें डाल करके फ्राई किया हुआ है मुरमुरे या लाई को, तो ये भी बहुत अच्छा लगता है। इसमें चाट मसाला, नमक और थोड़ी सी मिर्ची पाउडर, थोड़ी सी जीरा पाउडर, ये सब डाल करके बहुत ही चटपटा बनाया है मम्मी ने। तो एक पैकेट मैंने ये वाला पैक कर लिया है और एक पैकेट मैंने सादा वाला पैक कर लिया है, ताकि जो भी खाने का मन हो बच्चों का और इनका, तो इन लोगों को मैं दे दूँगी उस टाइम खाने के लिए। इसके अलावा भी मैंने 2-3 पैकेट नमकीन लिया हुआ है, जो भुजिया नमकीन होती है, और इसके अलावा मकई की नमकीन भी ली है, जो कि बहुत ही टेस्टी होता है खाने में और अच्छा लगता है। तो इसलिए ये सारी चीज़ें लेकर के, और इसको भी मैं अभी देखिए एक झोला मैंने तैयार कर लिया है सिर्फ खाने पीने की चीज़ों के लिए। ये ट्रेन के लिए सिर्फ तैयारी हो रही है, तो ये सारी चीज़ें रख लेंगे। अभी जो जो याद पड़ता जा रहा है ना, मैं वो सारी चीज़ें रखती जा रही हूँ एक दिन पहले। और इतनी लंबी छुट्टी पे पहली बार जा रहे हैं हम लोग, तो थोड़ी सी घबराहट भी हो रही है मुझे। लास्ट टाइम में तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ना जाना हो तो अच्छा है, घर में ठीक रहता है। लेकिन कभी कभी तो खुशी भी हो रही है कि चलो कभी तो निकले हम लोग इतने दिनों के बाद। कोरोना से पहले एक बार हमने ट्राई किया था, निकले थे हम लोग, लेकिन फिर मूड बना कि साल 2 साल में एक बार तो ज़रूर कहीं ना कहीं जाएंगे घूमने बच्चों को लेके। लेकिन फिर कोरोना आ गया तो 3-4 साल ऐसे ही निकल गया, फिर मूड ही नहीं बन पाया। और फिर ये व्यस्त भी रहते हैं तो समय निकालना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन इस बार हमने बहुत कोशिश किया तो जा करके इन्होंने समय निकाला, छुट्टी लगाई, और भगवान की दया से इनको छुट्टी मिल गई। तो बस हम लोग की पैकिंग हो रही है और इसके बाद निकल जाएंगे। साथ ही यहाँ पे मैं अपना मेकअप सारा ले रही हूँ, जो भी बेसिक है, ताकि कोई भी चीज़ वहाँ पे जाने पे परेशानी ना हो। तो ये सारी चीज़ें भी ना आज ही मैं पैक कर लेती हूँ, ताकि मुझे मतलब ऐसा ना लगे कि कुछ भूल गई हूँ। जो घर में है वो सारी चीज़ें तो ले ही लेते हैं, बाकी बचा खुचा होगा तो वहाँ से ले लिया जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन जो चीज़ें हैं वो फिर से दोबारा जाके वहाँ ख़रीदना पड़े तो बाद में पछतावा होता है। तो इसलिए जो जो चीज़ें मुझे याद पड़ती जा रही हैं वो सारी चीज़ें मैं पैक करते हुए जा रही हूँ। और देखिए बहुत सारी आर्टिफिशियल चीज़ें मैंने ली हैं, ताकि मैं घूमने जाऊँ तो उसको पहन सकूँ, क्योंकि उधर मैं गोल्ड कुछ भी लेके नहीं जाऊँगी जो भी मैं पहनती हूँ। ट्रेन वगैरह में ले जाना सेफ भी नहीं रहता है, ट्रेन से जाना है इतना लंबा सफ़र है, लेकिन बच्चे बहुत खुश हैं। तो होप ये छोटा सा व्लॉग अच्छा लगा होगा, और बाकी की सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, फिर मिलते हैं, थैंक यू।